मथुरा की सांसद और सिने तारिका हेमा मालिनी ने राजकीय संग्रहालय में मूर्तिकला शिविर का शुभारंभ किया। इस मूर्तिकला शिविर में मूर्ति कलाकारों को सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने मूर्तिकला शिविर का शुभारंभ करते हुए कहा कि मथुरा के राजकीय संग्रहालय में प्राचीन काल की मूर्तियां हैं और यहां की मूर्तियां देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहचानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि मथुरा मूर्तिकला का एक प्रमुख केंद्र रहा है और मथुरा में मूर्तिकला को बढ़ावा देने के लिए ही यह मूर्तिकला शिविर का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में उपाध्यक्ष शैल्याकांत मिश्र, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष नागेंद्र प्रताप सिंह के अलावा अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सांसद हेमा मालिनी का पटुका ओढ़ाकर स्वागत किया गया। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष नागेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आज मथुरा के राजकीय संग्रहालय में मूर्तिकला शिविर का शुभारंभ किया गया है। 10 दिन तक चलने वाले इस मूर्तिकला शिविर में 10 कलाकार तथा 10 मूर्तियों का निर्माण करेंगे। यह मूर्तियां मथुरा के प्रमुख महापुरुषों की बनाई जाएंगी। इस कार्यक्रम से मथुरा में मूर्तिकला को और अधिक बढ़ावा मिल सकेगा। आप संगीत के देखिए, नृत्य देखिए, लोक नृत्य, लोक संगीत, ब्रज भाषा और ब्रज के अलग अलग बहुत सारे कला हैं और सबको सब कलाकार यहाँ पर हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं बहुत सारे ब्यूटीफुल पेंटिंग्स करते हैं, वो कलाकार भी हैं। अभी शिल्प कला में भी बहुत एक्सपर्ट्स हैं। ये पर्टिकुलर जिस म्यूजियम में बहुत पहले आई थी, तब से मुझे बहुत ही शौक था यहाँ का। सर बहुत ही पुरातन है, बहुत ही प्राचीन काल से, लेकिन टूटा फूटा है। उसके कारण तो आप लोग जानते हैं किसके, फिर भी उसको इतनी अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है। और यहाँ इस म्यूजियम को देखने के लिए पूरे विदेश में से सब लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ओल्ड प्राचीन काल का ऐसे ऐसे स्कल्पचर्स हैं जो बहुत सारे फॉरेनर्स को स्पेशली देखने को नहीं मिलेगा। और इसको रिवाइव करने का आप लोगों ने जो सोचा है वो बहुत ही बढ़िया सोच है। एंड आई अप्रिशिएट एंड कंग्रेचुलेट शैलजा कांत जी एंड नागेंद्र प्रताप जी फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव। और यहाँ पर बहुत सारे कलाकार आए हैं, शिल्प कलाकार, तो मुझे भी बहुत, आई एम ऑल्सो एन आर्टिस्ट, एक कलाकार होने के नाते मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग बच्चों के साथ बैठ के छोटा छोटा वो क्ले लेकर आके हम कुछ न कुछ बनाते हैं, तो उसमें मैं काफ़ी कोशिश करके बच्चों को भी बताते हैं, देखो हमने छोटा सा बर्ड बनाया है, कुछ भी ना, गणपति बनाया, ऑल दिस थिंग। तो मैं चाहूँगी कि बाद में जब आप लोग का समय मिलेगा आपके पास आकर बैठ के देखना भी चाहती हूँ, मैं भी सीखना भी चाहती हूँ। और ये जो आइडिया है कि पुराना जो शिल्प है उसको फाइबर में ट्रांसफॉर्म करेंगे,